आज मैंने बहुत अच्छा सा नीला पहना है और कमल ने ब्लैक पहना है, लेकिन एलिमेंट जो कमल का है स्टार्ट हो गया ना। एक मिनट कट कट करो, एथो खींच के ना लाइट दिखा के इकरम ओजस्वीवाल उन पैन करके मेरे फेस तो ट्रॉली पीछे खींच लेंगे। उसके बाद watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. स्वागत है आज आप सबका RFE Unplugged के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड में, और आज मेरे साथ हैं the one and the only कमलप्रीत सिंह सहगल। After a very long time. Intro music की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे ही अंदर एम्बेड होया हुआ म्यूजिक, बारो म्यूजिक ऐड करने दी लोड़ी। जैसे बोला था वन एंड द ओनली कमलप्रीत सिंह, तो ये किस्सा बहुत मशहूर है अगर आप चंडीगढ़ के इस इलाके से निकल रहे हो, कि अगर दूर किसी घर में कोई बहुत जोर से हंसी का आवाज आए तो पता चल जाए कि कमलप्रीत शहर में आ चुके हैं, और अगर हंसी की आवाज बंद हो जाए तो शहर से जा चुके हैं। एंड मतलब, और अगर जहाज में आवाज आए तो जहाज में जा चुके हैं, तो पायलट को ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं। yes, है ना। yes. ये एपिसोड में हम बहुत ओवर द बोर्ड जाएंगे और नेचुरली चले जाएंगे, क्योंकि मतलब बोर्ड के ऊपर बैठेंगे, बोर्ड टूट नहीं जाएगा। नहीं टूट नहीं जाएगा। सबसे पहली लाइन किसी बड़े ही क्या कहते हैं ना, बहुत ही तजुर्बेदार आदमी ने बहुत अच्छी एक टी शर्ट बनाई और टी शर्ट पे लिखा, सॉरी गर्ल्स दिस मैन इज टेकन। मैं पहले दर्शकों के सामने आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये टी शर्ट्स आप कैसे चूज करते हो? भाई ऐसे कुछ चीजें ना आपको अपील कर जाती हैं, मतलब कुछ तो मैं कई बार सुता हूँ और मेरे माइंड च थॉट आ जाता है, तो मैं उस थॉट नू लिख लेना, फिर मैं उन्होंने सर्च करना, फिर मैं ऑर्डर कर लेना, तो जे वो ना थॉट पूरा हो फिर मैं कस्टमाइज करवा लेना। हाँ। ते मतलब दोनों पक्ष अपने हाथ में हमारा ना मतलब पिनाका मीडिया वर्क्स का न्यू ईयर का वो डिनर था। हाँ। ओ प्रेस क्लब। हाँ, 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 लंच था, सॉरी लंच था, और कमलप्रीत साहब मतलब बाकी सारे लोग वही जो बंदों वाले रंग होते हैं, नीले ब्राउन थोड़े से बेज डाल लिए, थोड़ा ब्लैक डाल लिए। हाँ थोड़ा नहीं, पूरे कुछ लोग मेरे जैसे फुल ब्लैक ब्लैक नहीं होते, लेकिन आपको दूर से एक ना एक रोशनी चलती नजर आती है, ऑरेंज पगड़ी और टिंटेड ग्लासेस और येलो शूज, ऑरेंज शूज है ना, और ऊपर भी मल्टी कलर्ड, और कमलप्रीत ने अपना ही मास्क पहना हुआ था, मास्क पे भी कमलप्रीत, चेहरे पे भी कमलप्रीत, ताकि अगर आप कहो ना कि सर मास्क में आप मुझे पहचान में नहीं आ रहे, तो कमलप्रीत ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया था, कमलप्रीत ने मास्क पे ही कमलप्रीत लगा दिया था। दैट वाज अ गिफ्टेड मास्क बाय द ब्लीड इंडिया। असली प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, असली सच्चाई दस रहे हैं कि ब्लीड इंडिया ने गिफ्ट किया, किसानों प्रमोटेड गिफ्ट्स मिलते हैं, प्रमोटेड गिफ्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे मिलते हैं। वो टाइम आ चुका है ना, कमल और मेरा जो साथ है वो आई थिंक ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था ना, ये माइक्स ऐसे एग्जिस्ट करते नहीं, थे नहीं, ना, ये कैमरास थे ना, ऐसी टेक्नोलॉजी थी उससे पहले से। कमल आज अगर हम इस स्टेज में बैठे हैं, आई थिंक दी इवॉल्वमेंट ऑफ, बिकॉज दोनों दी लाइन बहुत डिफरेंट है, ही इज डायरेक्टर, आई एम एन एक्टर, है ना, ते और एक्टर का काम होता है कि एक्टर आंदा है शूट करके चला जाता है, बट दी डायरेक्टर्स जॉब इज इट इज वे मोर बिगर दैन एन एक्टर्स जॉब। वो प्री प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन देखते हैं, VFX देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, BGM देखते हैं, रोटो देखते हैं, ये नवी टर्म्स ठीक है, बड़ा कुछ देखते हैं। तो वो जो मैं इन्होंने चीज़ों के वड़िया, तो आई रियलाइज कि यार एक डायरेक्टर की जी जॉब हैगी बहुत वड्डी है, प्लस एक्टर नू एक्टिंग भी दसते हैं, सो इट्स लाइक फुल फैमिली हेड इज अ डायरेक्टर। ये लाइन रिपीट कर करके चलाई जाए। हाँ ये लाइन रिपीट कर करके चलाई जाए। ते आई स्टिल रिमेंबर दैट आफ्टर दैट जिमी शेरगिल वाला शॉट शूट, असी CC दी बैठे हुए थे, है ना, 11 सेक्टर पंचकुला दे, ते मेरे सामने स्क्रिप्ट रखी गई, ते
I think that was very rare ki in those days that was very rare ki thode samne script aandi hai aur tusi teen char characters dekhde hege ho and thonu puchhya janda hai ki okay which character do you like so I was like this okay would you like to perform this so us time te jehdi option hundi sigi for an actor to choose the character was less nahi ta जनरली दस्या जाता कि ना दिस इज योर रोल आपने ये रोल परफॉर्म करना है सो दिस वॉज अ न्यू अचीवमेंट फॉर मी कि वो स्क्रिप्ट थोड़े सामने आई है और थोनू पूछा जा रहा है कि विच कैरेक्टर वुड यू लाइक टू परफॉर्म सो आई थिंक दैट वॉज द स्टार्टिंग जर्नी दैट आई वुड से कि उतो चीज़ा स्टार्ट हुई तो इनिया हुई कि आई थिंक वी क्रॉस सम 200 प्लस वीडियोज टुगेदर 200 videos you can cross watch all of them on you can watch all of them on rolling frames entertainment hai na te hun entertainment jada hai ga wo rfe tv bhi ban chuka hai so things have you know evolved gradually vadiyan hui hain usse pehle ka mujhe kissa yaad aata hai jab matlab usse bhi pehle matlab before filming kamle ha to wo film kamle bani thi aur ठीक लगी थी लोगों को हाँ अच्छी लगी थी फिल्म ऐसे मतलब प्रीमियर भी हुआ मतलब शॉर्ट फिल्म का प्रीमियर होया जलंधर जा रहे हैं टैगोर थिएटर जा रहे हैं 16 सेक्टर जा रहे हैं 18 सेक्टर जा रहे हैं लुधियाने जा रहे हैं पटियाले जा रहे हैं सो एक छोटी चीज़ में जो तुम इन्ने अच्छे तरीके दे नाल उन्हें यू नो प्रेजेंट करते हो एंड इन दैट टाइम 2012 सो आई थिंक ऑलमोस्ट दैट विल कंप्लीट अ डेकेड नेक्स्ट ईयर सो पहले भी मेरे को याद है कि जब हम लोग प्रोग्रेसिव पंजाब कैंपेन के लिए हम ऑडिशन कर रहे थे कमलप्रीत वॉज द लास्ट पर्सन जो रात को 8:15 आया और मैंने आई थिंक कितनी देर लगाई थी आई वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिशनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट चार्ज ऑफ द एंटायर डायरेक्टोरियल डिपार्टमेंट वॉज गिवन टू मी एंड कमल जस्ट स्पोक फॉर से 20 मिनट्स एंड आई वॉज लाइक डन है ना उसी वक्त मैंने डन कर दिया था कि यू नो समटाइम्स सडनली एक कैरेक्टर आपके सामने चल के आते हैं एंड यू डोंट नो हिम यू आर ऑल्सो न्यू टू द प्लेस द अदर पर्सन हैज ऑल्सो स्टार्टेड और ही जस्ट वॉकड अप एंड ही सेड कि आई हैव कम टू ऑडिशन फॉर दिस एंड दिस प्रोफाइल थैंक यू अंकल थैंक यू एंड आर एफ ई अनप्लग की खास बात तो यही है दैट वी आर हैविंग चाय इन स्टारबक्स चाय हाँ नहीं जो कुछ नहीं है और साथ में we have these exotic laddus it has like 5 flavors in one laddu so adro khaoge lag flavor aayega adro lag aayega upar lag aayega thale lag aayega aur jo to flavor andar jayega wo the flavor change ho jayega isliye main kehta hu ki kamalpreet ko kabhi narration nahi deni chahiye to he just walked up and then maine kaha ki yahi wo character hai matlab ekdam aapko feeling hoti hai na dekh ke ki ha ye thoda sa bhi bola that energy worked that tone worked that body language worked and then आई थिंक उसके हम दो दिन बाद हम शूटिंग पे ही दो दिन या उसके अगले दिन जब भी उस दिन भी शूटिंग पे कमल का फोन आया और जस्वी मैं कमलप्रीत बोल रहा हूँ मुझे कॉल ही नहीं आई यार फिर आई थॉट क्यों नहीं यार प्रोडक्शन टीम ने कॉल किया कमलप्रीत को कि जबकि मैंने फाइनल कर लिया था तो फिर कमल केम फ्लाइंग लाइक अ फ्लाइंग जेट है ना तब का कमल अब 10 साल में देखें पीछे और आगे तो क्या चेंज हुआ है काफ़ी कुछ चेंज हो गया है बट द बेस्ट थिंग अबाउट अस इज दैट द फ्रेंडशिप हैज़ नॉट चेंज्ड द रिलेशन हैज़ नॉट चेंज्ड द वैल्यू हैज़ नॉट चेंज्ड एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इट शुड नेवर चेंज बिकॉज जो तुसी यू नो ग्रो करते हैगे हो एंड वैन यू ग्रो विद समवन जिन्हें थोड़े नाल जर्नी शुरू की होंगी है और 10 साल बाद भी वो थोड़े नाल खड़िया होंगे तो बड़ी सारी चीज़ा वो देखता है लाइक मैं जसवी के बड़े सारे सीक्रेट्स पता है जसवी नू मेरे बड़े सारे सीक्रेट्स पता है हो सकता है फैमिली नू भी ना पता हो है ना बड़े सारे है ना तो वो मतलब किमें शुरू होंदियां चीज़ा केड़ी चीज़ा दे थोड़ी यू नो हाउ यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स वो उनू ही पता होंदा जो शुरू करदा है थोड़े है ना नाउ ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर वन ऑफ द जेडे ए लीग डायरेक्टर्स होंदे है उदे विच इहदा नाम आंदा है पीपल अप्रोच हिम फॉर सो मैनी इनफ्लुएंशियल प्रोजेक्ट्स जेडे दूसरे डायरेक्टर्स नहीं कर सकते आई थिंक दैट इज़ द अचीवमेंट बिकॉज जो तुसी एक मल्टी लाइन दे विच अपना नाम बना लेंदे हो ये पैसे एक्स्ट्रा लवाना मैं सारा कुछ बोलन दे मल्टी लाइन रिपीट करके अपना नाम बना लेंदे यू नो आई 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 गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज फ्रेंड ओनली
आई नॉट टेक हिज नेम आई थिंक कुछ सम एक डेढ़ महीने पहले लाइक भाई ये फिल्म बनानी है तो आपके साथ बनानी है पर मेरी एक छोटी सी कंडीशन है. मैं क्या हाँ जी वो ओजस्वी सर ही उसको डायरेक्ट करेंगे. तो मैं क्या हाँ यार बिल्कुल. कहते नहीं वो मतलब वो प्रेजेंटेशन होने की रहेगी बाकी हम देखेंगे उसको कैसे कहाँ पे रिलीज़ करना है बट आई वॉन्ट दी डूओ टुगेदर यू नो कवलप्रीत एंड ओजस्वी. सो आई थिंक दैट इज द अचीवमेंट व्हेन पीपल स्टार्ट रिकमेंडिंग यू एंड व्हेन पीपल वॉन्ट यू टुगेदर एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म कि हमें यही जोड़ी साथ में चाहिए. तो आई थिंक दैट इज ये आई थिंक ये इसका नमूना है. हाँ ये नमूना है ना ये असली वाला है नकली वाला नहीं है. इस जुबान के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड है ये कमलप्रीत का. यस फर्स्ट टाइम जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो इनके घर पड़ा हुआ है. जब हम इनके घर शूट करने जाएंगे तो पीछे वो अवार्ड पड़ा होगा. वो अभी हम ला नहीं पाए भूल गए एक्चुअली. और हमने सोचा कि वीएफएक्स में डाल दें पर वो महंगा सौदा है. हम कितने भाई घर जाके शूट कर लो तो अच्छा था. कमल आज तक कितने ऑडिशन दिए होंगे. मैं ना एज एन एक्टर जर्नी के बारे में समझ रहा हूं. ऑनेस्टली दिस आई थिंक दिस इज मोर फॉर द ऑडियंस. द हां 5.5 साल बॉम्बे एट एन एवरेज दिन तक कितने देते होंगे भाई. 3,500 तक कितने नहीं गया. 3,000 तक कितने गया ही नहीं. मतलब 3 दे हो सकता 4,000 हो गए. 3,500 मैं ये प्रोग्राम सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ मैं और कमलप्रीत बहुत अरसा साथ में भी रहे हैं बॉम्बे में. और मैं सुबह उठ के क्या करता था. मैं लिखता था. मैं बैठता था कंप्यूटर पे रिसर्च करता था स्टोरी मैटर्स. या उन दिनों बहुत न्यूज़पेपर्स नहीं हम अफोर्ड कर सकते थे तो मैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पढ़ता रहता. न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते थे. नहीं, अच्छा बिजनेस न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी एक्चुअली दिन में मतलब बाहर इतने नहीं ना आ सकते थे. तो मैं तो बहुत सारी रीडिंग कर रहा था. तो कुछ जो इंडिया में भी नहीं आते उनकी ऑनलाइन एक्सेस थी मेरे पास. तो कमलप्रीत रोज सुबह तैयार होके बस निकल जाते थे. दिन में 2 ऑडिशन दिए बगैर मतलब चाहे अच्छे ऑडिशन हो चाहे बहुत बुरे ऑडिशन हो चाहे मुझे लगता है बी ग्रेड सी ग्रेड मतलब कोई ऑडिशन छोड़ा नहीं होगा. मैं अब तो कह सकता हूँ क्योंकि 3,500 के आंकड़े में कोई नहीं छोड़ा. कोई नहीं छोड़ा भाई. 3,500 ऑडिशन 4 भी हो सकते हैं मुझे लगता है. हो सकते हैं आराम से मतलब 5-6 साल दे विच 365 दिन होते हैं ना. तो 1,000 तो तुसी हाँ आराम ना इजीली है ना इजीली. तो आप सोचो कि कितनी बड़ी जर्नी रही है कि अगर आज हम कहें कि आज अगर कमलप्रीत सिंह एक बहुत ही उमदा कलाकार हैं आज बहुत ही इन्होंने टेलीविज़न शोज़ बहुत फिल्में बहुत सारे इन्होंने वेब प्रोग्राम्स इतने सारे मेजर ऑनलाइन चैनल्स के लिए कमलप्रीत सिंह ने काम किए और आप बड़े बड़े होर्डिंग्स ब्रांड्स के एंडोर्समेंट भी देखते हैं तो ये कोई एक रात की या एक दिन का चमत्कार नहीं है. ये बहुत सालों की मेहनत है जिसका रिज़ल्ट कभी ना कभी घूम फिर के ज़रूर आता है. और इस पूरे दरमियान में कमलप्रीत ने जो सबसे अच्छी चीज़ मैं नोटिस की है मैंने कमलप्रीत के बारे में कि कमलप्रीत ने बहुत अच्छे बॉन्ड्स बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं. कि आई थिंक कोई कहीं पे कमलप्रीत सिंह ने ऑडिशन दिया होगा आज से साल पहले वो भी एजेंसी नहीं भूलती है कि कमलप्रीत आए थे. चाहे उनके पास वो रोल ना हो उस टाइम ऑफर करने के लिए क्योंकि कास्टिंग एजेंसी ऑडिशन लेके रख लेती है फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर देखते हैं फिर वो डायरेक्टोरियल टीम देखती है कि उस रोल के लिए कौन बेटर परफॉर्म करता है. तो वो बहुत उसके बाद बहुत सारी टीम की कॉल भी रहती है. तो भी कमलप्रीत सिंह को कॉन्स्टेंटली काम मिलता रहा. मुझे याद आ रहा था कमल याद है हम खार में डबिंग के लिए जाते थे एड्स की है ना. तो एक 30 सेकंड की एड के लिए भी कमलप्रीत 4-4 घंटे डबिंग करते थे है ना. याद है ना ये टेक छोटा टेक है ना बड़ा फ्लो छोटा फ्लो. फिल्म को समझना मतलब कि अब अगर मैं एक कलाकार से पूछूं कि थोड़ा लोगों को बताओ कि आधे मिनट की भी अगर ऐड बनती है उसको कितना टाइम लगता है बनने में. मतलब कितना टाइम बनने में लगता है एज एन एक्टर बताएं. मैं एज अ लोग जो हमें अप्रोच करते हैं ना पूछने के लिए कि आप किस टाइप की फिल्में बनाते हैं आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं आप क्या बनाते हैं मतलब बड़े अतरंगी से सवाल पूछते हैं मुझे. आधे मिनट की ऐड बनाने के पीछे बताओ कितनी देर लगती है. मिनट की ऐड बनाने में मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है इफ़ वी कंपेयर टू अ शॉर्ट फिल्म. आई शेयर अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. आई वॉज शूटिंग फॉर अ ब्रांड हजे अपकमिंग ब्रांड हैगा. सो आई एम द नॉर्थ फेस ऑफ द सेम ब्रांड वेज ईज इज़ जिमें ग्रोफर शाहरुख खान होती एड करता है ना बिग बास्केट दी. सो इट्स लाइक दैट ब्रांड.
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਮਾਈ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਅ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਡ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਬੰਬੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੇਂਗੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। ਸੋ 30 ਸੈਕਿੰਡਰ ਐਡ ਟੁੱਕ 3 ਡੇਜ਼, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਤਾਓ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਐਡ ਕੋ ਬਨਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ 30 ਲੋਕ 100 ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 100-125 ਬੰਦਾ ਪਰ ਵੋ ਕਿਉਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੇ ਵੀ ਬਤਾਓ ਲੋਕੋ ਕੋ ਵੋ 100 ਲੋਕ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਉਨਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੇ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਬੰਦੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਸਟਿਊਮ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ 5 ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਪੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨੋਟ ਵਾਟ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਭਾਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਰਕ। ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਕੀ ਹੋ 3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਹੋ, ਐਟ ਅ ਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈੱਟ ਪੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਐਟ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹੋਤੇ ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਅਗਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਉਤਨਾ ਬਣਾਏ ਯਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਵਹੀ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਫੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਕੈਸਟਰੋਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ਾਟ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਊਟਡੋਰ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, 15 ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਇਨ ਆਊਟਡੋਰ ਤੋਂ ਇਨਡੋਰ ਸੈੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਊਟਡੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਇਨਡੋਰ। ਭਾਜੀ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਿਆ, ਓਕੇ ਡਨ ਪੈਕਅਪ ਜਸਟ ਫੋਰ ਲਾਈਕ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੋਰਲ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਸ਼ੋਡ ਯੂ ਅ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਰੇਮ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਡੀਟਰ ਤੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਟ ਟੁੱਕ ਮੀ 15 ਡੇਜ਼, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਾਧੀ 15 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਅਬ ਮੈਂ ਆਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਕ 4 ਆਵਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ, ਜਦੋਂ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ, 4-4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਾਸਕ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਬ ਹਮ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਅਬ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਟ ਤੋ ਓਪਨਿੰਗ ਅੰਕਲ ਨੇ ਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਉਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਆਪ ਕੈਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਯੇ? ਕਮਲ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਹਮਨੇ ਫਿਲਮੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਥੀ ਜਿਸਮੇ ਲਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੋ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਦੀ? ਸਭਸੇ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਕਿਆ ਰਹੀ? ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਹਮ ਅਭੀ ਜੈਸੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਮਨੇ ਜੋ ਨੋ ਟੋਬੈਕੋ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਾ। ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਰੂਹ ਥੀ ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੀ, ਬੀਚ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਝੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਤੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਮੀਓ ਗੈਸਟ ਰਹੀ ਹੋ। ਆਈ ਫੀਲ ਰੂਹ was the most challenging film, reason being the 9-10 months jadon tusi kisi cheez di wait karde ho na ki karna hai aur beard wadi hui si
आई थिंक मैं आई डोंट इवन रिमेंबर द प्रोजेक्ट्स जेडे मैं छड्डे होने हैं रूह पिछे मतलब 15-16 प्रोजेक्ट्स तो छड्डे होने हैं जस्ट बिकॉज आई हैड अ मोटिव तो मोटिव होना बहुत जरूरी है थोड़ा लाइफ तो जस्ट बिकॉज आई वॉन्टिड कि रूह करनी है बिकॉज डिले हो रही थी तो बहुत छड्डे है और जो वैन आई वॉज परफॉर्मिंग सो यू नो थोनों एक बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी के नाल उन्हें परफॉर्म करना पड़ता बिकॉज यू आर कैरिंग द होल कम्युनिटी ऑन योर शोल्डर्स व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग कि मैं ये चीज़ प्रेजेंट कर रहा तो वो बहुत रिस्पोंसिबल रिस्पोंसिबिलिटी वाली फिल्म सी एंड आई एम श्योर जब फिल्म आउट हुई है जो लोगों ने देखी है तो यू जस्ट सी द कॉमेंट्स तो When I remember, we were sitting and watching the trial of Zubaan also. हाँ, नहीं Zubaan had a different challenge. मैं जब Zubaan का जो trial था ना, तब Kamalpreet के मम्मी और पापा दोनों बैठे हुए थे, तो it was a very private screening which जो हमने तीनों के लिए रखी, और they were watching the film and I was not watching the film. I was watching them. है ना? और रूम में भी यही था, जब रूम में we had the screening. I was not watching the film, I was watching them. तो इधर स्क्रीन होती है, इधर से प्रोजेक्शन आ रही होती है और ये लोग इधर से देख रहे हैं और मैं इधर से इन्हें देख रहा हूँ. तो आई सेट इन स्क्रीन के नीचे कोने में बैठ के मैं इनको देखता हूँ कि ये फिल्म कैसे देख रहे हैं. फीलिंग नहीं, नहीं मैंने पीनी है इसको. अच्छा, पियो पियो. हाँ, तो वट वॉज योर फीलिंग वेन यू सॉ रूह? रूह की बात कर रहे थे हम. रूह, रूह के बाद देख के क्या लगा फर्स्ट कट पे? पहले तो रूह कम गई रूह नु देख के, बिकॉज फिल्म दे विच परफॉर्मेंस तो अलावा देर वर छोटी छोटी टेक्निकलिटीज वैन यू आर शूटिंग जेडे पानी वाला शॉट, वाल कट्टन वाला शॉट, आई डिडंट सी दैट बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर माई रोल इन साइड. जो तो देखा फिर जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम से जो दी एम्बियंस दैट यू क्रिएटिड दैट वॉज एबसोल्यूटली स्टनिंग बिकॉज दैट वॉज मच नीडिड है ना. जो स्टार्टिंग दे शॉट्स है बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बीनेशन एक्टर डायरेक्टर का. तो जो एक फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन से जाती है तो डायरेक्टर वो जान पा देता है फ्रॉम बाय द म्यूजिक द BGM. वो परफॉर्मेंस के नाल जो क्लब होंगे और जो तुम स्क्रीन पर देखते हो, आई थिंक दैट इज आइसिंग ऑन द केक. परफॉर्मेंस की गल करिए बहुत घट रोल है जो मैं फुल बीएड के है ना, तो बट अंदरों बहुत डर भी लग रहा है कि तुम एक बहुत रिस्पोंसिबिलिटी वाला काम कर रहे हो, तो तुम यू नो एक बहुत वड्डी चीज अपने मोड़ पे रख के. यू आर प्लेइंग अ फादर इन द फिल्म, आई थिंक व्हिच यू हैव नेवर प्लेड. आई हैव प्लेड बट नॉट लाइक, आई हैव प्लेड अ फादर इन मेनी कमर्शियल्स है ना, नॉट बिकॉज दिस वॉज अ वेरी रिस्पोंसिबल फादर बिकॉज वो अपने बच्चे नू कोई चीज़ दस रहा है एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो अपने बच्चे तो वही चीज़ सीख रहा है जो कि वो ओदी दुनिया के सामने एक डिफरेंट इमेज है. बट जो वो बच्चा उन्हू पोर्ट्रे करता है कि पापा जी मैं वड्डे होकर थोड़े वर्गा बनना चाहना, तो इन्नी वड्डी पग मैं भी बनागा, तो वह रिस्पोंसिबिलिटी चेंज होंगी है. तो वो अपना माइंड सैट जो दोबारा अंदर जाता है टॉवल रखता है, वैन ही कम्स आउट विद अ डिफरेंट माइंड सैट कि जो तू पहले right. करन गया सेगा और जो तू दोबारा करन गया दैट इज डिफरेंट. ओदा माइंड वॉश हो जाता है और बच्चा माइंड वॉश करता है. तुसी किन्ना को स्पिरिचुअल है गयो? मतलब डू यू वेक अप एंड डू यू प्रे टू गॉड? मैं बहुत स्पिरिचुअल हैगा पिछले काफ़ी टाइम तो, मतलब तुसी ला लो पिछले 2-3 ज्यादा बॉम्बे जाके आया उदो थोड़ा जहा पाठ घट हो गया, बट संडे टू संडे आई गो एवरी संडे टू गुरुद्वारा साहब. सेवा होंदी है 3-4 घंटे सेवा करदा, लंगर छकाईदा, सारा कुछ करीदा, बट जदों भी मैनू टाइम लगता आई प्रे, आई गो टू गुरुद्वारा साहब, आई चैंट, आई मेडिटेट. जदों टाइम लगता मोस्टली थोड़ा बहुत टाइम रस्ते ट्रैवल कर रहे हैं या नहा रहे हैं या सो रहे हैं, मैं कढ़ लैंदा टाइम. दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन योर ओल्ड फ्रेंड्स मीट यू, वो कैसे कहते हैं कि कमल तेरी मैंने कौन सी फिल्म देखी, तेरा मैंने क्या देखा, वो क्या कहते हैं? आई थिंक Zubaan वाज इट वाज आइस ब्रेकिंग थिंग दैट आई वुड से, क्योंकि जड़े जड़े बंदे ने भी देखी है दे हैव नॉट सीन मी लाइक दैट द वे दे सी मी इन द फिल्म है ना. सो बड़े सारे बंदे उन्हें दोबारा देखते हैं, पहली बार उन्होंने समझ नहीं लगती भी ये वो क्यों नहीं है जो हमें जानता है ये, मतलब आई दिस पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन. सो दैट इज अ कैरेक्टर, द रियल पर्सन इज समथिंग डिफरेंट. सो रियल पर्सन नू रियलिटी दे विचों कढ़ के जो कैरेक्टर दे विच पाया जाता है, सो यू लाइक
I am going inside you, so I have to become Ojasvi for some time. Yes. So I have to behave like Ojasvi, I have to perform like Ojasvi, which I am not. Then that becomes more difficult. Mm. And you have to perform that with more responsibility. Ki tusi oh nahi ho jo tusi kar rahe ho. Te bade sare lokan nu shocking vi lagya. Bade sare lokan layi nava vi siga ki yaar ye kaise kar raha hai. And har bande di jehdi power hundi hai, ohdi zuban hundi hai. Aur jadon thodi power thode kol nahi hai and you have to give a power packed performance without the power, that will create another power. That becomes another challenge. So बिना जुबान तो परफॉर्म करना, आई थिंक दैट वाज अ तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी या जब मैंने सुनाई थी तब मन में क्या आया था? मैंने तो अपने इंटरव्यूज में बहुत बार बोला है, देखो ऑनेस्टली व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई हैव टोल्ड एवरीवन, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई स्टार्टेड सीइंग द वीडियोस, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे. फिर जसवी कहना भाई इसको छोड़ो, हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे, वी विल क्रिएट आवर ओन थॉट प्रोसेस, व्हाट कम्स टू यू नेचुरली. थोनू पता है थोड़े किसे यू नो तुसी किसे नू गोली वजदी हुई देख ली है, यू कैन नॉट स्पीक. हाउ विल यू टेल योर फ्रेंड इफ यू डो नॉट हैव योर जुबान? सो ओ जदो तुसी उस चीज़ नू खुद फील करते हो एंड यू नो कि थोड़ा हथियार थोड़े को नहीं है बट तुसी बहुत डरे हुए हो, यू नो ते आई थिंक कुछ चीज़ें नैचुरली होंदी हैं. कुछ वैन योर डायरेक्टर टेल्स यू समथिंग कि यू नो ओके दिस इज़ द स्टोरी लाइन, दिस इज़ द प्लॉट, तो इनू आप एवें कर सकते हैं. एंड आई थिंक साडा एक चीज़ बहुत अच्छी है, साडा जिहड़ा बॉन्ड हैगा वह बहुत अच्छा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ ओजस्वी नू कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या मैनू कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, दूसरे बंदे नू समझ आ रही है तो वी टॉक, वी फाइट, वी डिस्कस. बट इफ आई एम परफॉर्मिंग समथिंग एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई विल नॉट परफॉर्म. इफ ही इज़ गिविंग सम डायरेक्शन, I am not liking it, he will not give it. So, सहमति होंदी है ता deliverables निकलते हैं. Actually, इसको ना एक content का comfort कहते हैं. Content भी नहीं कहूँगा मैं, आप जिस idea में believe करते हो. अगर हम लोग convinced नहीं हैं, sometimes कमल को vision नहीं समझ में आती, और वो उसमें मैं ये नहीं कहता कि किसी भी actor को sometimes एक scene क्यों डाला है, कैसे डाला है, बाद में कैसा निकलेगा. Sometimes I feel I am like blessed that my actors trust me and that becomes more, मतलब वो एक ज़्यादा responsible state होती है जब आपके actors सारा कुछ आप पे surrender कर देते हैं. Then फिर अगर आप नहीं कर पाए उसके बाद तो वो तो फिर yes. It goes down the drain. No, definitely because that trust has to be that trust factor has to be there because you are trusting your director blindly. Yeah. You are not saying anything because you know he will do it. I just go with my gut feeling. I think छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं. हम बहुत बड़े किस्से, बहुत बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े और वो तो चीज़ें सुन लेते हैं, लेकिन समटाइम्स जो इनोसेंस हैं और जो रियल हैप्पीनेस है या जो रियल सॉरोज हैं या जो रियल लाइफ है वो छोटे 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 इंस्टेंसेस में ही बसी हुई है. एक मिनट कट करो, तो फ्रेम खुलना चाहिए. बैठोगे उठे ना? हाँ उठे बैठेंगे तो फ्रेम खुलना चाहिए. जब मैं फिल्म लिख रहा था तो मैं पीछे की एक बैकयार्ड की रोड इमेजिन कर रहा था. जब हम एक्चुअल लोकेशन पे गए तो रोड ही कुछ और थी. फिर आई रिमेंबर जुबान के बाद ना ब्रॉडवे ने मेरे को मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट किया था, एंड देन ब्रॉडवे में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था कि व्हाट वाज इट फिल्मिंग. आई सेड कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव कमलप्रीत playing that role because you know he is the only guy who can end up believing in me and riding a bicycle at 3:30 a.m. in the morning. 3:30 baje hum wahan pe with no lights aur piche kutte bhag rahe hain aur piche camera team alag bhag rahi hai. To humne kitna shoot kiya tha Kamal, hai na? To us waqt kya matlab kya memories hain aapki us time environment? Bahut sari memories hain. Like ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੂਟ ਦ ਫਸਟ ਸੀਨ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕੈਮਰਾ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੇਟਾ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ. ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਓਕੇ. ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ 46 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਈ ਸੀ. ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਰੇ ਵੋ ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਪਾਇਆ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ?
अगर मैं वो पहन के बाहर निकलूं लोग कहेंगे ये शर्ट तो कमल ने गुमान में पहनी थी, तो उनको कौन बताएगा कि यार वो मेरी शर्ट है ना, वो शर्ट दिती फिर मेरी पग चेंज करवाई बिकॉज I was not supposed to look very vibrant. He worked at a chemist. मतलब the way we had written it that he was already earning like 6,000 rupees a month, है ना? And he was living in a very small setup and obviously his father, the family was a very small unit. So they and the house was a little broken from all parts, you know. डार्कनेस थी, लाइट चली जाती थी, तो घर में इन्वर्टर नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस शहर में हम रहते हैं वैसे सुविधाएं इनके घर में और इनके जीवन में नहीं थी, तो कैसे आप वो कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बाहर टिप टॉप निकलूं और मेरे घर में पंखा भी नहीं है, तो इट लुक्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कि जैसा घर है, जैसे बर्तन है, जैसा अंदर सामान है, हमारा रहन सहन स्वभाव बिल्कुल वैसा ही होता है, तो वही कमलप्रीत को रिफ्लेक्ट करना था, है ना? और आई थिंक वही लगभग सारे कैरेक्टर्स में रिफ्लेक्ट हुआ कि वो एक टाइप के एरिया में एक टाइप के ही लोग थोड़े ज़्यादातर थोड़ा बहुत उनके आर्थिक स्थिति में यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा उतार मतलब कम ज़्यादा पंजाबी चाहिए ना काट वाद होता है ना, एंड देन ही हैड अ वेरी गुड कंपेनियन ऑल्सो, मतलब ही वॉज लाइक कि वी रिमेंबर जगदीप वॉज ऑन स्टेज एंड ही सेड कि जदों मैंने पता लग गया कमल भाजी फिल्म कर रहे हैं तो आई ऑलवेज कोट जगदीप बिकॉज ही सेड कि हूँ मैनू तो बोलने नहीं कुछ मिलना, आई सेड कमल को मैंने मना लिया पिक्चर में कमल ही नहीं बोल रहे तू बोलेगा तू ही बोलेगा कह रहा है भाजी ये कैसे कर दिया आपने, तो इट्स लाइक यू नो कि समटाइम्स यू आर देयर एंड देन यू लीव अ लॉट ऑन योर रिएक्शंस, सो द स्टोरी when we built it, it was actions didn't have noise but reactions had noise. That was his Kamal when he was in charge of the actions, Jagdeep was in the reactions, and when Jagdeep was acting, Kamal was reacting. So I clearly remember that scene beneath the flyover ke niche when we were standing and we were shooting that scene when Kamal tells and everything ki क्या हुआ एंड ऑल, तो दैट मोमेंट वॉज वेरी चार्जिंग एंड वेन ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल वॉट ही सॉ एंड आई थिंक दैट लैंग्वेज ओनली दैट जगदीप कुड अंडरस्टैंड. कमल वॉट इज़ योर अल्टीमेट ड्रीम, मतलब वेन यू सी योर सेल्फ कि भाई मैं अब ये मेरे 30-40 साल मैंने काम किए हैं, तो इज़ योर ड्रीम इन टोटेलिटी या आपके ड्रीम में करियर एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है या टोटैलिटी में आप देखते हो लाइफ को? देखो जी मैं जब बॉम्बे पैर रखिया सीगा ना तो मैं एक चीज़ अपने माइंड दे विच बिठाई सी कि दी अल्टीमेट गोल इज कि तेरी पूरी दुनिया दे विच यू हैव टू सी योरसेल्फ ऑन ऑल द बिली बोर्ड्स, चाहे होर्डिंग्स हो जान, चाहे पोस्टर्स हो जान, चाहे दुकाना हो जान, चाहे करियाने की दुकाना हो जान, चाहे मॉल्स हो जान, चाहे सिनेमा हॉल, चाहे कार, नो मैटर वॉट यू हैव टू बी एवरीवेयर. तो उदे विच आई थिंक काफ़ी चीज़ा पॉसिबल हुई हैं, काफ़ी चीज़ा दी जिहड़ी एग्जीक्यूशन है वो हो गई है, काफ़ी चीज़ा प्रोसेस दे विच हैगी हैं और काफ़ी चीज़ा नू हजे टाइम है. अमन ड्यूरिंग द होल जर्नी आई नो कि तुसी बहुत सारे लोगों नू मिले हो, यू मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई वुड से, but and then you have also let lot of people go away from your life also. Do you regret that a few people went away or do you still feel that nahi kuch logon ko kuch log meri wajah se gaye and I shouldn't have let that happen? Paaji main ye cheez dekhi hai ki when you are an actor or when you are a singer or when you are an entertainer, at the end it is you who are there. People come, people will join, people will go. Very less percentage, very, very less, point percentage people will stay. Because ये थोड़ा सपना है, ये थोड़ा dream है, ये थोड़ी struggle है. You never know जोड़ा थोड़े बंदे नाल जुड़ रहा है, वो अपने आप नू उत्थे देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता. तुसी देखना चाहते हो तो तुसी दौड़ रहे हो. तुसी सोचे कि मैं एक बहुत वड्डा नाम बनना है जिन्हों लोग की जानन, ते वो थोड़ा सपना है, तुसी एक सपना देखिए, तुसी एक ड्रीम देखिए कि मैं एक
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫੇਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਪਨਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕਵਰ ਫੇਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਪਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਔਨ ਦਾ ਕਵਰ ਮੇ ਬੀ ਔਫ ਔਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਔਰ ਔਨ ਅ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਂਡ ਦਾ ਲੈਡਰ ਕੀਪਸ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟਿੰਗ ਐਨੀ ਫੀਲਡ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਕਟਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਫੈਮਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾ ਕੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇ ਫੈਮਲੀ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਇਨਾ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨੇ ਕਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਦਿਖਾਈ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਰੇ ਤੇਰੇ ਬਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਮੋਰ ਫਾਇਰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਫ ਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਜ਼ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 95% ਮੈਂ 2% ਪੇ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ 5% ਪੇ ਮੇਬੀ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੋਰ ਮੋਰ ਜਨਰਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਟ ਦੈਟ 2-5% ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੇ ਕਿ 6% ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2%, 3%, 5% ਬਟ ਦੈਟ 2% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ 5% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ will only come if you have seen that 95% rejection. Right. If that 90% rejection is not there, then you cannot evaluate that 5% selection. That is the ratio that is there. Je tusi je thode piche koi kise da hath nahi hega ya if you do not belong to the director's family or actor's family, if you are like, I think we are the first generation jede jinna ne eh soche hai ki main, he is an engineer, MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰੋਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਡ ਖਤਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਰੋਡ ਦੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਟ ਰੋਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਟੇਕ ਯੋਰ ਕਾਰ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ That'll take time. Roads cannot be constructed overnight. So, इसमें जैसे आपने जिक्र मैंने पूछा था जैसे कि family का कितना अहम role रहा है इसमें? I think 100% role रहा है. Because family ने जब मैं when I wanted to become an actor, they were like actor बनना है. मैं कहा जी बनना है, उन तक करना है. So they were like करना है तो करो, फिर पीछे नहीं मुड़ के देखना. We don't want कि तू 5 साल बाद कहें जी हाँ जी उनमें कुछ और कर लेना. Did you have a plan B? Honestly, I didn't had a plan B. I never had a plan B because if I had a plan B, I would have never been on the journey of plan A. I would have been shuffling plan A, plan B. नहीं फिर वही बात है. मुझसे भी पीछे एक शो में पूछा था कि plan A क्या है, B क्या है. Said I think I मतलब whatever we have been able to achieve so far. मतलब I will not call it success. I can never call it success because मैं मतलब हम अभी हम काम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज न्यू क्योंकि पिछले जैसा तो कुछ नहीं करना चाहता तो आई सेड देयर इज ओनली प्लान ए प्लान बी होता तो मैं प्लान बी को स्ट्रक्चर करता फिर प्लान ए पे आता क्योंकि लोग बैकअप पहले बनाते हैं जैसे काम कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं
अब चक्कर ये है कि हम ऐसे 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 ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कभी रिटायरमेंट ही नहीं है। मुझे कोई आके ये नहीं कहने वाला, कमलप्रीत साहब को आके कभी कोई नहीं आके कहने वाला कि आपकी उम्र हो गई अब आप रहने दो। हाँ। उम्र क्या होगी, 100-100 साल दे जाएंगे तब भी बच्चे फिर अपनी उम्र के हिसाब से वो रोल कर लेंगे। मैं आई थिंक बाय बीइंग एट अ सर्टेन एज आई थिंक आई विल हैव अ बेटर नॉलेज, बेटर विजडम, बेटर सेंस ऑफ इमोशन एट अ पर्टिकुलर एज, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स कम विद एज एंड एक्सपीरियंस। आई थिंक जो तजुर्बा आपको 35-40 में है वो तजुर्बा आपका 60 में बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि तब तक तो आप 3 जनरेशन और देख चुके होगे, है ना। कमल, आज की जो न्यू जनरेशन है, जो हम कहते हैं कि अर्ली 20s की है, लेट टीन्स की है, 1920 से लेके 2021-22 जब बहुत सारे नए यंग एक्टर्स आते हैं, तो उनमें और अपना टाइम देख के आपको कैसा आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस? भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक आई गॉट अ ईमेल फ्यू डेज अगो, सो देर वॉज सम एक्स वाई जेड ब्रांड, दे वॉन्टेड टू ऑन बोर्ड मी फॉर लाइक 6 months, सो लाइक वी आर लुकिंग फॉर इन्फ्लुएंस, दे पेइंग रियली वेल, दे पेइंग रियली वेल, ते हमें ऐसे वी आर ऑन बोर्डिंग, वी वॉन्ट यू ऑन बोर्ड। मैं कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर पर्सन, आई एम एन एक्टर, सिंगर एंड एंटरटेनर, बट येस देर आर मैनी पीपल हु गेट influenced. He said, we are looking for influences. Like, I am not that TikToker. I'll not, not that guarantee. Exactly. Real. I'll not guarantee that we will influence. Hai na, because actor di zindagi aur influencers di zindagi bahut fark hai. Coming back to your point, ajkal di jehdi generation hai, matlab jehde hune hune jamme hai gaya ya hune hune this line de vich aaye hai gaya. Technically this guy calls them people who have just started. Yes, who just started. Haan. So they want aaj 12th kiti hai te kal agle din famous ho jiye, popular ho jiye, aivein nahi hunda, hai na. TikTok ne badi sari cheezan open up karti hain, Instagram reels ne badi sari cheezan open up karti hain, but that does not mean ki if you are making a good video on Instagram reel, there are so many videos of mine, they've crossed millions of views. There are so many videos of people who are like baseless videos, pathetic videos, crossed millions of views. That you cannot compare those two videos. Je ek thode kol platform mile hai, you should utilize that platform. Nobody is gonna cast actors or singers or entertainers just by seeing your Instagram reels. Because when you are performing, when you are singing, or whenever you are doing something real, you do not have music at the foreground or the background. Mm-hmm. Right? You are doing and you are that, not imitating somebody. You are not else's imitating voice. Somebody in somebody voice. Else's voice. So everything is real. I got a video of someone XYZ person. कोई ऑडिशन आया सीगा, किसी ने ऑडिशन भेजा सी, एक मिनट का ऑडिशन होना है, उस बंदे ने या बंदी ने 5 पोर्शंस दे विच ऑडिशन भेजा। कैन यू बिलीव इट भाई, 4 लाइना बोलिया कट, कट मारोगे तो दिखेगा, 4 लाइना बोलिया कट, बंदा कहता सिंगल टेक भेजो, नहीं भेज पाया। देयर इज अ डिफरेंस, देखो नॉलेज और जेरी होमवर्क है ना, लाइक आई थिंक ओजस्वी ने बहुत होमवर्क किया, जो जो यदि पहली फिल्म आई सी आई क्विट 2011-12 की गल है, उदों की गल और अज की गल दे विच जिहड़ा होमवर्क हैगा वो बहुत ज़्यादा है, और अजकल की जिहड़ी जनरेशन है वो होमवर्क नहीं करती है। तुसीं इंस्टाग्राम खोलिया वीडियो, दैट कैन मेक यू पॉपुलर ओवरनाइट, बट दैट कैनॉट मेक यू एन एक्टर, दैट कैनॉट मेक यू एन एंटरटेनर, दैट कैनॉट मेक यू अ सिंगर। तुसीं इंस्टाग्राम से पॉपुलर हो जाओगे, बट नोबडी will cast you in their film or a TVC or a serial just by seeing your that reel. You'll get music videos which bolna nahi hunda, ramp fashion shows which bolna nahi hunda. When you are performing in a film, in a TV show, or in a TV commercial, you have to perform. There is nobody behind your back who's gonna support you with their music. Holy solely you have to perform. कोई सपोर्ट नहीं है पिछे म्यूजिक दी, भी उसने ऐसा बोला और आपने मुंह हिला दिया, वो बहुत वड्डा रीजन है। हुन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे पिछे म्यूजिक लग जाए तो मैं मुंह हिला रहा या मैं उन्हें रियलिटी च बोल रहा हूँ, तो फर्क है भाई, बहुत वड्डा फर्क है। एक्चुअली ये चीज़ें भी मेरे को आज पता लगी, क्योंकि आई नेवर
watch reels and all this. So I don't know why they make it. I thought ki maybe koi market hai. It is a good time pass. Hmm. It is a very good time pass. But ye tujhe na professionally dekhna hai. If someone is making reels. And if that person wants ki ab meri 4-5 reels achhi chal gayi, ab to main actor ban jaunga ya actor ban jaungi. That is wrong. Ek jehdi professional training hundi hai, classes hundi hai, workshops hundi hai, oh thonu leniyan paini hai. Oh, nobody will teach you on the set. If you are in front of the camera, you are there to perform, na? Yes. You are not there to learn. Yeah. Agar mereko koi bole ki main aap matlab it happens sometimes, you know, when new people they come, then you have a team of learners there on your location and ये भी लोग नहीं जानते कि बहुत लोग आते हैं कि हम आपकी शूटिंग देखना आना चाहते हैं. सबसे पहली चीज़ समटाइम्स शूटिंग पे जब आप आते हो वो एक कॉन्फिडेंशियल वर्क होता है, किसी क्लाइंट का हो सकता है या आपकी फिल्म है जो आप अभी नहीं शेयर कर सकते हैं ना, तो इसलिए यू डोंट इन्वाइट पीपल टू वॉच योर सेट्स. ठीक है, ये एक तो लोगों को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ एक्सपोज से एक्सपोज होकर जा रहे हैं जो आने वाली है, राइट. तो कभी कभार वो गाना और लोगों की ना हैबिट होगी पहले सेट पे जाना ना कमल, एक काम होता था कि हाँ हम जा रहे हैं और हम वहाँ देखने जा रहे हैं, अच्छा लोग कैसे हैं, क्या काम कर रहा है. लर्निंग कर्व एक बहुत डिफरेंट है, लोग अब आते हैं बाद में है, पहले शूटिंग की फोटो खींचनी शुरू कर देते हैं. मतलब एंड दे पोर्ट्रे एज इफ दे आर शूटिंग फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट, दे टेक देयर कैमरा एंड कच, ये डायलॉग बोल रहा है, वो देखो वो एक्टर बैठा है, वो डायरेक्टर बैठा है, कच 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 कच, ऐसे बस कैमरा से फोटो लिए जाते हैं. सो दैट थिंग इज वेरी डिफरेंट ना, मतलब आपको लोगों को रोकना पड़ता है. एंड सो आई मीन देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, मतलब एवरी डे फॉर अस इज ऑल्सो अ लर्निंग कर्व. सो आई मेड इट अ पॉइंट दैट ऑन शूटिंग नोबडी इज मेकिंग वीडियोज, नोबडी इज रिकॉर्डिंग वीडियोज. एक देयर इज अ डेडिकेटेड टीम दैट डज दैट, ठीक है, अ टीम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग or for documenting the whole process of how you shot that film. There is an entire department that goes uncredited otherwise, but I make a mention to that ki bhai unhone pure journey ko record ki hai, right. Jaise ki we have a lot of making of the movie stills available, which normally go along with the press kits of the film, ki bhai if we have some shots of the cast and the crew while they were making the film, and we have that. Ek minute, cut karo main hello. ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਕੇ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਪੈਨ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰੇਮ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ. ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕਾ ਫੋਨ. ਮਤਲਬ ਹਾਓ ਐਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟਿਕ ਆਰ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ? ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਈਫੋਨ 11 ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ. ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਪਲ ਦੇ ਸਟੋਰ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਪਲ ਦਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਸਲਾਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੜਕ ਭੜਕ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਰੈੱਡ, ਰੈੱਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਮੈਰੂਨਿਸ਼ ਰੈੱਡ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਯੈਲੋ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਲੋ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਤੜਕ ਭੜਕ ਲੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਲੋ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਯੈਲੋ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਲੋ ਦਿਖਾਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਲੋ ਲਊਂਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਕਰ ਦਿਓ. ਹਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਫੋਨ, ਜਸਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਫੋਨ. ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੋਬਰ ਕਲਰਸ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਅ ਕਲਾਸਿਕ ਵਾਈਟ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਆਈ ਪ੍ਰੀਫਰ, ਐਂਡ ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰੈੱਡ, ਤੋ ਇਹ ਹੌਟ ਰੈੱਡ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਂ ਤੋ ਇੱਕ ਯੈਲੋ, ਸੋ ਇਹ ਆਲ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਦ ਕਲਰ, ਆਲ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਦ ਕਲਰ. ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਯੈਲੋ ਤੋ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਲੈਮਨ ਟਾਈਪ, ਲੈਮਨਿਸ਼ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਹਾਂ ਲੈਮਨਿਸ਼ ਯੈਲੋ ਹੈ. वेरी रेयर कलर, यू नो कि कोई खरीदे एंड यू सी दैट कलर लाइट में. हाँ ठीक है. तो वो कहते सर है तो है पर हमारे पास 128 GB में अवेलेबल नहीं है. मैं कह रहा हूँ 64 GB तो नहीं लगाऊंगा, मैं कह मेरे को चाहिए 128 GB. कहते सर ये फिर आपको 5-6 दिन वेट करनी पड़ेगी. मैं कर लेने वेट करनी, 5 दिन वेट की थी, आई थिंक 6वें दिन फोन आया पीले रंग के फोन के लिए. अगर कमलप्रीत एक हफ्ता वेट कर सकता है तो कमलप्रीत कुछ भी कर सकता. अब आप सोचो कि आम आदमी सोचता पता की है, पाजी ले लो, कवर पीले रंग का पा लेंगे, लेकिन नहीं, कवर नहीं, कवर भी ले आओ पीले रंग का, कवर भी है, पर देखो जड़ी ओरिजिनल चीज है वो दी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है ना. आई एम फॉन्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बट आई लाइक कलर्स मोर, मतलब विद द सेम टेक्नोलॉजी
added with the color, it's like icing on the cake. Kamal, जब shooting नहीं कर रहे होते, मतलब या जब acting नहीं कर रहे होते, audition नहीं दे रहे होते, जब समझो कि अपने काम से related कुछ भी नहीं कर रहे होते, knowledge भी नहीं acquire कर रहे होते, क्या करते हो? क्या करना पसंद? Honestly, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि there are so many days when I'm not shooting, like maybe sometimes whole month I don't shoot. ते बट ऐदा नहीं होंदा कि मैं नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहा या तो मैं घर शूटिंग शुरू कर देना आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज आई यू नो स्टार्ट राइटिंग समथिंग और आई अभी आपने कैमरा वर्क का नमूना भी देखा है ना कुछ नहीं हो रहा थे मे बी इफ आई एम कुकिंग समथिंग एंड आई शूट माय सेल्फ या स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स कुछ ना कुछ चलता रहता बट आई एम बॉक आता रहता कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा मैं सो रहा बस तो यू प्रेफर स्लीपिंग नहीं आई In day, I never sleep. मैं बता हार्डली कमल को क्या करना पसंद है कमल अगर कहीं शूटिंग पे जाए ना और पेमेंट मिल रही है लाखों में कमल लाख रुपए की शॉपिंग कराएगा ये मुझे पता है तो आई थिंक फॉर कमल शॉपिंग इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर आइदर ही विल ईट और ही विल शॉप आपने मैं आई मीन देर इज नो मतलब आपने ना बहुत सारे लेडीज़ को देखा होगा कि वो शॉपिंग के पीछे क्रेजी और ये एक जनरल ट्रेंड है कि बंदे जो होते हैं ना वो मतलब आप बड़ा कम देखोगे कि वो एक दो टी शर्ट को फाइनल करने के लिए पूरा मॉल घूम रहे हैं शोरूम वाले सर पे चढ़ गए हैं पर कमल प्रीत ये काम कर सकता है कमल कितने कलर की टर्बन है आपके पास ऑल कलर्स रेड येलो ब्लू ग्रीन मजेंटा पर्पल पिंक रेड वॉयलेट सी ग्रीन ओशन ग्रीन रेड मेरून मेरूनिश रेड ब्लड रेड ऑरेंज मैंगो वेलवेट ऑल कलर्स और शूज वो तो कोई पूछो ही ना कौन कौन से कलर के हैं ऑल कलर्स रेड येलो ब्लू 6-7 ब्लैक वाइट ऑरेंज सेमी ऑरेंज मजेंटा ऑरेंज बेज येलो लाइट येलो डार्क येलो पेल येलो लेमन येलो ब्राइट येलो सारे कलर है इसके लिए कमल को मेरी तरफ से एक अवार्ड ये वो रंग के भाई साहब जूते पहन सकते हैं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता इसके लिए आपको मेरी तरफ से एक तोहफा थैंक यू है ना हमारा ही तोहफा हमारा हम इसको वापस कर दें ऑफ कोर्स आप ही का देंगे किसी और का देंगे अच्छा लगेगा मतलब मैं निकल रहा सीगा कभी ऐसा दिल किया लाइटों वाले जूते ले लूं हैगे वो बच्चे वो जो पहनते हैं नहीं वो अडल्ट लाइटों वाले अडल्ट लाइटों मतलब अडल्ट बंदे उस बच्चों वाले लाइटों के शूज पहनते हैं वो वाले अडल्ट लाइटों गलत गंदी बात नहीं करनी ठीक है तो मैं निकल रहा सीगा आई वाज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लोखंड वाला पापा ना गल कर रहे जी फोन ते उत्थे एक शॉप है फंकी बॉयज बड़ी पॉपुलर शॉप है ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स गो देयर ते फंकी बॉयज जो ओनर है उन्होंने बहुत प्यार है मेरा मैं जा रहा सी छतरी ले हुई सी बिकॉज बारिश हो रही सी आए सरदार जी थोड़े मतलब तो आया कुछ मैं भाई जी मेरी ना 7 बजे मीटिंग है तो आई वॉज गोइंग टू लोखंड वाला ओनली 7:15 नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ आज मीटिंग आ जाओ आ जाओ आ जाओ उन्होंने मैंने धक्के ना बुला लिया कहते ये ना नया माल आया तो ये देखो जरा भाई मैं 3-4 जोड़े जूते पसंद कर ले करते करते 7:10 हो गए 7 बजे की मीटिंग सी बंदे का फोन आ गया तो मैं कहा भाई जी ओके कर दो ये ओके कर दो तो मैं जा रहा वापसी तो आके देखा चला गया वापसी तो आया 10:30 4 जुत्ते ले आया दुकान तो और जो जुत्ते लेके आया घर आया तो मेरा जो रूममेट से अंकुर तो उन्हें देखा भाजी जुत्ते कहाँ से लाए हो फंकी बॉयज भाजी मुझे भी ले दो मुझे सवेरे किन्ने के जुते खरीदे भाजी ये हम प्राइस डिस्कलोज नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो एक फिल्म की फीस भी लग जाती है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शूज पसंद है ये बहुत पसंद है राइट तो मेरा और कमलप्रीत का जो बातों का सिलसिला है यूं ही चलता रहेगा और शायद ब्रेक नहीं लिए दे विच कोई नहीं ब्रेक लेनी तो भाजी जेडे स्पोंसर ने लाइना लाके पीछे खड़े है वो किवें पावांगे विच अपन लाएंगे बाद में लाएंगे स्पोंसर लाएंगे बिल्कुल अच्छा ये चलते शो में स्पोंसर की लिस्ट ऊपर टप 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 ऐसे नीचे से वॉल पर टप 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 या वीएफएक्स हो जाएगा स्पोंसर बस मुझे वो बोल या हाथ रखेंगे हाथ में स्पोंसर आ जाएगा ठीक है मेरी और कमलप्रीत की बातें यूं ही चलती रहेंगी है ना कमल ये आपके लिए हमारे स्पोंसर्स की तरफ से एरोमा मस्क की तरफ से हैम्पर वो सच्ची है गाइस मैं तो मजाक कर रहा हूं मस्क ओके वेरी गुड चेक कर लिए नहीं बाद में खोलना आराम से अरे वाह है ना दिस इज और ये हमारे दूसरे स्पॉन्सर्स एलिस्टोस की तरफ से आपके लिए हैम्पर क्या पहले दिखा तो लेने दो कैमरे में लो जी आप भी मैं क्या सी ना हाथ रखेंगे हाथ से हैम्पर आ जाएगा ठीक है
इसका अलग से एक वीडियो आएगा हैम्पर खोलते हुए का। डेफिनेटली ठीक है ना, थैंक यू जी। यूं ही बने रहिए आप हमारे साथ RFE Unplugged पे, और आज का ये चटकता भड़कता और खूब सारे इनसाइट्स के साथ आज आपने एपिसोड देखा और सुना। मेरा और मेरे साथ कमलप्रीत सिंह हैं और आप देखते रहें हमें। खत्म एपिसोड? हाँ तो आप फिल्म नहीं बना रहे 3 घंटे की? बन जाएगी अगले, अच्छा, अगले एपिसोड। तो आप हमें देख रहे हैं RFE Unplugged में, तो अनप्लग प्लग भी होएगा कि अनप्लग भी रहेगा? बस हो जाएगा। ओके, रिलीज पे प्लग हो जाएगा, रिलीज पे प्लग हो जाएगा। ओके, आप हमें देख रहे हैं RFE Unplugged में 2.0 क्या ना बोलिए 2.0 RFE Unplugged। नहीं नहीं, बस RFE Unplugged 2.0 हटाओ, RFE Unplugged रोलिंग फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट। यस, आप देख रहे हैं RFE Unplugged रोलिंग फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट पे।